हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक्नी लेटेस्ट चैनल पर। मैं हूं नील। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहां से कोई भी मैसेज टाइप करके भेजूंगा एंड मेरा जो है यहां पे BSNL सिम है एंड जियो है, तो इसमें से जैसे मैं मैसेज सिम टू से सेंड करूंगा एंड यहां पे जो है प्रोसेस होते रहेगा, लेकिन जो है यहाँ पर सेंड नहीं होगा। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में बताऊँगा कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जाए एंड इसका क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जरूर जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज सेंड किया तो इसमें रिट्राई दिखा रहा है, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों बैलेंस में दिखा दूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन बैलेंस कितना दिखा रहा है, 7.09 रुपीज़ है, यानी कि बैलेंस है भेजने के लिए। उसके बाद भी सेंड नहीं हो रहा है, मतलब इसका कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। एंड क्या है सेटिंग में प्रॉब्लम, इसमें मैं आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है, जैसे मेरा वीवो मोबाइल है, इसमें आपको मोबाइल मैसेज पे जाना है एंड यहाँ पे जाके देखिए ऊपर साइड में एक ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट का, इस पर क्लिक करना है। एंड नीचे में देखिए यहाँ पर सेटिंग आ रहा है, ब्लॉक हैरेसिंग आ रहा है एंड कैटेगरीज मैसेज इंटू ग्रुप्स, तो सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे मेरा वीवो मोबाइल है, अदर्स मोबाइल पे आपको क्या है, आपको मैसेज पे जाना है, मैसेज सेटिंग पे जाना है। वीवो मोबाइल पे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज पे सेटिंग मिल रहा है, लेकिन आपको क्या है कोई भी मोबाइल पे सेटिंग पे आपको मैसेज सेटिंग में जाना है। तो मेनली मैसेज सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मोर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है SMS सेंटर नंबर, तो इस पर क्लिक करना है। एंड जो भी सिम में आप मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो उस पर ऊपर क्लिक करना। जैसे मेरा सिम 2 है एंड यहाँ पे देखिए मेरा जो है यहाँ पे नंबर सेंटर नंबर जो 1198 है, तो ये जो है गलत है, यानी कि अलग अलग रिटेलर का अलग अलग सेंटर नंबर होता है। देखिए दोस्त, जैसे मैं BSNL का बता दूँ, यहाँ पे BSNL का जो सेंटर नंबर है यहाँ पे 9434044997 है एंड इसको आपको ओके कर देना है। ऐसे अलग अलग रिटेलर का अलग अलग सेंटर नंबर होता है, आपको जो है केयर में कॉल करके आप जान सकते हो एंड इसके वजह से आपका मैसेज सेंड नहीं होता है पैसे रहने के बाद भी। मोबाइल सेंटर नंबर डालने के बाद आपको और एक काम करना पड़ेगा, जो है रिस्टार्ट या पावर ऑफ करके ऑन करना है आपका मोबाइल सिम। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो रिबूट करना है या रिस्टार्ट करना है एंड आपको जो है पावर ऑन कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों ऐसे मैं यहाँ पे मैसेज में जाके मैं यहाँ पे सेंड करूँगा कुछ भी एंड देखिए इसमें जो है यहाँ पे सेम मैं कुछ टाइप कर लूँगा यहाँ पे कुछ भी एंड यहाँ पे जैसे सिम टू से सेंड करूँगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका मैसेज सेंड हो जाएगा एंड ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कुछ टाइम के बाद इसका सेंड हो जाएगा एंड इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पैसे चार्ज कटा 38 पैसे एंड यहाँ पे मेन बैलेंस 6.72 है एंड इसका जो है मैसेज सेंड हो गया। एंड यहाँ पे सेंड ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रहा है, मैं डिलीवरी ऑप्शन ऑफ करके रखा हूँ इसलिए सेंड नहीं हुआ, अगर नहीं तो रीट्राई दिखा था। तो इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे सेंटर नंबर चेंज करने पर आपका मोबाइल पे मैसेज भेज सकते हो एंड आप जो है इसका फैसिलिटी ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड जरूर जरूर जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने वाले नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।